हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी का जो सिपाही फार्मा के बारे में, यानी कि अगर आपका एम है, आप जाना चाहते हो इंडियन आर्मी का सिपाही फार्मा, तो उसके लिए आपको एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या जरूरत पड़ेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड आपको क्या क्या देना होगा, और उसी के साथ साथ आपको बताऊंगा आपका ड्यूटी वर्क, आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसका बेनिफिट्स क्या है। अगर आप जाते हो इंडियन आर्मी का सिपाही फार्मा में तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि इसी चैनल पर इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग और एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, यहाँ पे पहले पार्ट में हम बात करेंगे आपको एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या जरूरत पड़ेगा अगर आप सिपाही फार्मा में अप्लाई करना चाहते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 10+2 पास होना चाहिए और डी फार्मा क्वालिफाई करना होना चाहिए विथ 55% मार्क। अगर आप ये फुलफिल करते हो तो आप इजीली इंडियन आर्मी का जो सिपाही फार्मा रहता है उसमें अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, उसका अल्टरनेटिव भी क्वालिफिकेशन होता है, अगर आपने बी फार्मा क्वालिफाई किया है विथ 50% मार्क तो आप अप्लाई कर सकते हो जो सिपाही फार्मा का पोस्ट में, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात कर लिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बात करेंगे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या जरूरत पड़ेगा अगर आप इंडियन आर्मी का जो सिपाही फार्मा में जाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि सभी ट्रेड में जैसे नॉर्मल सा फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, तो सेम यहाँ पे सिपाही फार्मा में भी वो टेस्ट आपको देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला इवेंट जो आपको देना होगा वो रहेगा 1600 मीटर का रनिंग। उसके बाद आपको बीम पुलअप्स का भी आपको टेस्ट क्लियर करना होगा, और उसके साथ साथ आपके जो जिगजैग बैलेंस रहता है उसको भी क्वालिफाई करना होगा, और 9 फीट डिच का भी जंपिंग आपको क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों, ये जो सारे टेस्ट है फिजिकल के, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, इसके कोई भी मार्क नहीं है, ये ध्यान से जरूर सुनिए, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, राइट। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आपका हाइट कितना जरूरत पड़ेगा, फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो हाइट रहेगा वो 170 सेंटीमीटर है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो जो सिपाही फार्मा का पोस्ट रहता है। उसी के साथ साथ आप अगर 50 केजी के हो तो आप इजीली इंडियन आर्मी का सिपाही फार्मा में अप्लाई कर सकते हो, राइट। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड फुलफिल करना होगा वो आपका जो चेस्ट का साइज है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब आप एक्सपांड करोगे तो आपका 82 सेंटीमीटर होना जरूरी है, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात किया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या जरूरत पड़ेगा और कौन से टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बात करेंगे आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका वर्क क्या रहेगा, राइट। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को पता होगा इंडियन आर्मी में मिलिट्री हॉस्पिटल जो रहता है उसमें कई तरीके के मेडिसिन, कई तरीके के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि नर्सिंग असिस्टेंट का क्या काम रहता है, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो नर्सिंग असिस्टेंट का, तो मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सोल्जर सिपाही फार्मा का ड्यूटी रहेगा, जैसे कि आप सभी को पता होगा इंडियन आर्मी का जो मिलिट्री हॉस्पिटल रहता है उसमें डॉक्टर कुछ भी प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, तो सिपाही फार्मा का काम रहता है उस प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको मेडिसिन देना, यानी कि जो सोल्जर रहेंगे, जो घायल हुए होंगे, जिनका ट्रीटमेंट हो रहा होगा, उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करना। और अगर मैं बात करूं जैसे कि परचेसिंग मेडिसिन करना, जैसे कि सिविलियन के लिए, और खुद का मेडिसिन इंडियन आर्मी बनाती है, उसका देखरेख करना, उसका डाटा कलेक्शन करके मेंटेन करना, ये सब काम सिपाही फार्मा का रहता है, राइट। दोस्तों, उसी के साथ साथ और एक ड्यूटी आपका जो रहेगा, जैसे आप सभी को पता होगा जब भी आपके फैमिली को आप लेके जाते हो मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे एक स्टोर रहता है जो हम कहते हैं डिस्पेंसरी। फ्रेंड्स, जो भी डॉक्टर आपको कंसल्ट करता है मेडिसिन, तो वो आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हो वहाँ पे, जो अंदर बंदा रहता है वो सिपाही फार्मा का ही रहता है, वो हिसाब से, वो प्रोसेस के हिसाब से आपको मेडिसिन देता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं कुल मिला के बात करूँ, जो सिपाही फार्मा का ड्यूटी, जो भी वर्क रहेगा वो रहेगा मेडिसिन के ऊपर, यानी कि जो भी मेडिसिन सोल्जर को दिया जाएगा, सोल्जर के फैमिली को दिया जाएगा, वो पूरा का पूरा ध्यान सिपाही फार्मा ही रखता है, राइट। और जो भी इंडियन आर्मी का मिलिट्री हॉस्पिटल था स्टोर में, वो जो बंदे रहते हैं उसके अंदर, वो सिपाही फार्मा के ही ट्रेड के बंदे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्लियर हो गए होंगे कि आपको क्या क्या ड्यूटी करना होगा, राइट। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे अगर आप सिपाही फार्मा में पोस्टिंग हो जाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला बेनिफिट्स आपको मिलेगा वो रहता है, ये जो इंडियन आर्मी का सिपाही फार्मा है वो एक्स ट्रेड के ग्रुप में आता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम कंपेयर करें दूसरे ट्रेड जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट का,
तो आपका जो बेसिक पे वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो नर्सिंग असिस्टेंट का पोस्ट है वो वाइट ट्रेड में आता है। अगर हम कंपेयर करेंगे इसको सिपाही फार्मा को, तो ये एक्स ट्रेड में आता है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, जो आपका बेसिक पे पे स्केल रहेगा वो आपको सिपाही फार्मा में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिक पे के हिसाब से आपका अलाउंस का भी बढ़ोतरी होता है, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला बेनिफिट्स मैंने बता दिया। अब जो दूसरा बेनिफिट्स रहता है, जैसे कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी बहुत कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ आपका जो तीसरा बेनिफिट्स रहेगा अगर आप सिपाही फार्मा में जाते हो, जैसे कि आपका रिटायरमेंट ले लिया आपने, रिटायरमेंट के बाद आप चाहते हो कि मैं फिर से जॉब करना, तो आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हो और आपको फार्मासिस्ट का जॉब भी मिल सकता है, और उसके साथ साथ आप अपना भी स्टोर खोल सकते हो फार्मासिस्ट का, राइट। तो बहुत सारे आपको बेनिफिट्स है अगर आप सिपाही फार्मा में जाते हो। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया अगर आपको सिपाही फार्मा में जाना है तो आपको एजुकेशनल क्रेडिट क्या जरूरत पड़ेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड आपको क्या जरूरत पड़ेगा, और आपको क्या क्या वर्क एंड ड्यूटी करना होगा, और आपका बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है अगर आप सिपाही फार्मा में सिलेक्ट हो जाते हो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम ट्राई करते हैं आपके कमेंट को पिक करके रिप्लाई करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, लव यू ऑल।